तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहते हैं कि द एम्पलीट्यूड 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 ऑफ 15 साइन मॉडुलेटेड बाई 10 साइन, मतलब ये जो है मॉडुलेटेड वेव है, इज मॉडुलेटेड बाई दिस कैरियर वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल। देखो यहाँ पर तुम बात करोगे तो जो कैरियर वेव है यहाँ पे कैरियर वेव जो है वो है, उसको मैं y1 मान लेता हूँ और ये है 15 साइन 1000 पाई टी। ठीक है ना, ये द एम्पलीट्यूड ऑफ 15 इज मॉडुलेटेड बाई, मतलब इसको मॉडुलेशन, ये कैरियर वेव है मॉडुलेटेड बाई दिस, तो एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटिंग वेव जो है y2 है वो कितना है भाई, तो 10 साइन 4 पाई टी। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉडुलेटेड सिग्नल कंटेन, तो जो इन दोनों सिग्नल को मिलाने के बाद जो नई सिग्नल जनरेट होगी वो होगी, उसमें कितने टाइप की फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें बेसिकली उसमें तीन टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडुलेटेड सिग्नल, तो जो मॉडुलेटेड सिग्नल है उसमें तीन टाइप की फ्रीक्वेंसी होगी, और उन तीनों टाइप की फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी जो होती है FC-FM प्लस कैरियर वेव की प्लस FC+FM, ये तीन टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकालोगे, इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, फीलिंग अलग जनरेट हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ 1000 पाई दिया, तो पाई ने पाई को और ये 500, तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 500 हर्ट्स। ठीक है ना, यहाँ से, और यहाँ से तुम बात करोगे, यहाँ से ओमेगा का कंपेयर करोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई FM और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 पाई के इक्वल है, तो पाई ने पाई को और यहाँ से FM की वैल्यू आ जाएगी 2 हर्ट्स। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से FM की वैल्यू 2 हर्ट्स आ गई ये वाली, तो अब इन दोनों को देखोगे यहाँ से तो 500 माइनस 2 और यह आ जाएगा 500 और यह आ जाएगा 500 प्लस 2, तो कुल मिला के आ जाएगा 498 और यह आ जाएगा 500 और यह आ जाएगा 502, तो 502 हर्ट्स और 500 हर्ट्स और ये 498 हर्ट्स। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि तीन होगा, मतलब ए ऑप्शन सही है, समझ रहे, ए ऑप्शन क्लियर है, और 498 डी ऑप्शन भी, ये में डी भी, ये डी वाला सही है, और यहाँ से 502 भी सही है, मतलब ए डी और ई सही है, ए डी और ई, मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो दिस वन इज़ रॉन्ग, ए डी ई इसका सही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।